सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बैंक्स फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किस बैंक पर हम अकाउंट ओपन करें, कौन सा बैंक हमारे लिए बेस्ट होगा, तो आज की इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से बैंक पर अपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको तीन ऐसे बैंक्स बताने वाला हूँ जिन पर सबसे बेस्ट आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं फॉर जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट ज़्यादा बैंक बताकर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो कि सबसे बेस्ट तीन बैंक्स हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए, वही बैंक्स आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला फर्स्ट नंबर का सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि आपको कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट देखने को मिल जाता है। ये सबसे बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है और सबसे बेस्ट कैटेगरी पर आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करते समय आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग ऐड नहीं करनी पड़ती। आपको देख रहे होंगे कुछ दिन से कि जितने भी जीरो बैलेंस अकाउंट थे उन पर ओपन करते समय इनिशियल फंडिंग मांग रहा है, जिसको आप ऐड करने के बाद तुरंत ही विड्रॉल कर पाएंगे। बट इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग की जरूरत देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्टली जब आप ओपन करने जाते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और कोई भी आपको फंडिंग ऐड नहीं करनी पड़ती, एक जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में गाइस हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों के मन पर यह सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे पास हमारे शहर पर या फिर हमारे कस्बे पर कोई भी कोटक महिंद्रा की ब्रांच नहीं है। अब गाइस, इस कंडीशन में आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आसपास अगर आपके कोई बड़ा सिटी है उस पर कोटक महिंद्रा की आपकी ब्रांच है तो उसी ब्रांच पर डायरेक्टली आप ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको ब्रांच तो एक भी बार विजिट नहीं करना है, आपको डिजिटली आपको ओपन करना है, मोबाइल से बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे। तो उस ब्रांच को आप डिसाइड करिए, उस ब्रांच के थ्रू आप अपने कोटक महिंद्रा 811 अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अब गाइस बात आती है कि इस अकाउंट पर जो आपको क्या क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है एज का, और साथ में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेंगी हमको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। अब गाइस, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, और साथ में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अब गाइस, जितनी सब चीज़ें होंगी आपके पास और साथ में आधार कार्ड है जो, वो उस पर आपका ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि आप अकाउंट पर मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो। इतनी सब चीज़ होने के बाद गाइस आपको इस पर क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आपको पासबुक नहीं मिलेगी गाइस, और साथ में आपको चेकबुक मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन केवाईसी के थ्रू, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपकी जो सिग्नेचर होती है वो वेरीफाई कर ली जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इस पर आपको चेकबुक की भी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है, और साथ में डेबिट कार्ड भी आपको इस पर देखने को मिल जाता है। और साथ में गाइस, डेबिट कार्ड का जो आपको चार्ज देखने को मिलता है वो आपको 199 प्लस GST देखने को मिल जाती है, तो डेबिट कार्ड का भी चार्ज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और इस अकाउंट पर आप FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी ले पाएंगी बहुत ही आसानी से। और गाइस, जो इस अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है वो आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट आपको इस अकाउंट पर दे देता है बैंक, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और साथ में गाइस हम बात करते हैं, इस अकाउंट पर आपको कोई भी अमाउंट ऐड करके रखना पड़ता है मंथली या फिर नहीं? तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको कोई भी अमाउंट ऐड करके अपने बैंक अकाउंट पर नहीं रखना पड़ेगा। एक जीरो बैलेंस अकाउंट आपको फुल्ली तरीके से देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये अकाउंट आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाता है, इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला सेकंड नंबर का बेस्ट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए, जो कि पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ, ICICI का माइंड सेविंग अकाउंट जो आपको देखने को मिल जाता है, वो भी एक फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाता है। अब काफ़ी लोगों के मन पर ये कन्फ्यूज़ आ रहा होगा कि भाई जब इस अकाउंट को हम माइंड सेविंग अकाउंट को ICICI जब हम ओपन करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि 25,000 रुपीज़ ऐड करने को बोला जाता है, जो कि इनिशियल फंडिंग के तौर पर ऐड किया जाता है। अब गाइज, ये मैं आपको वीडियो बनाकर पहले भी बता चुका हूँ कि गाइज जो 25,000 रुपीज़ आपको ऐड कराया जाता है वो आप अकाउंट ओपन होने के 5 मिनट बाद ही विड्रॉल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस अमाउंट को आप तुरंत विड्रॉल कर पाएंगे। इस अमाउंट को ऐड क्यों किया गया है ICICI की तरफ से, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो में। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि 25,000 का मैटर क्या है। अगर आप 25,000 ऐड कर लेते हैं तो आप उसको निकाल भी सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। अब गाइस, निकाल लेते हैं तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा। अब गाइस, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसका बेनिफिट आपको क्या देखने को मिल जाता है? सो गाइस, सबसे पहले तो बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि
सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइस कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं वो सेकंड नंबर का ये अकाउंट देखने को मिल जाता है आपको। जैसे कि आपको पता है HDFC सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और सेकंड नंबर का ICICI आपको देखने को मिल जाता है। इससे बात क्या खास हो जाती है गाइस, जो आपको शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आपको इस अकाउंट के रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं डेबिट कार्ड पर। सो गाइस उन ऑफर्स को आप क्लेम कर पाएंगे इस अकाउंट को ओपन करने के बाद। पर्सनली मैंने इसीलिए इस अकाउंट को ओपन किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आते रहते हैं ICICI बैंक पर और जीरो बैलेंस अकाउंट है सबसे बेस्ट बात आपको देखने को मिल जाती है। अब गाइस सबसे पहले तो आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस इस पर एज लिमिट लगाई हुई है बैंक ने ICICI की तरफ से। अगर आपकी एज 18 से 35 के बीच में है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, बट अगर आपकी एज 18 से कम या फिर 35 से ज़्यादा है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। अब गाइज ये एज लिमिट लगाई हुई है ICICI बैंक की तरफ से और साथ में इस अकाउंट को जब आप ओपन करने जाते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में जो आधार कार्ड है उस पर जो आप फ़ोन नंबर लिंक करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट पर वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इतनी सब चीज़ों की आपको इधर पर ज़रूरत पड़ती है और साथ में गाइस इनिशियल फंडिंग भी होती है इस अकाउंट पर। जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो लास्ट जो प्रोसेस होता है तो उस पर आपको 25,000 रुपीज़ ऐड करने पड़ते हैं। अब गाइस ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपीज़ आप ऐड कर लेते हैं तो उनको आप निकाल नहीं पाएंगे, आपके अकाउंट पर फिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली आपका अकाउंट ओपन होने के बाद 5 मिनट बाद उस अमाउंट को आप निकाल पाएंगे और हरदम के लिए आपका जीरो बैलेंस अकाउंट वो रहेगा ICICI का माइंड सेविंग अकाउंट। अब गाइस हम बात करते हैं कि इस अकाउंट पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस अकाउंट पर आपको चेकबुक देखने को मिल जाती है जो कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपको वीडियो KYC के थ्रू उधर पर फुल्ली KYC आपको इस अकाउंट पर दे दी जाती है, उस पर आपको सिग्नेचर वगैरह सब कुछ वेरीफाई करा लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको चेकबुक भी देखने को मिल जाती है इस अकाउंट पर और साथ में आपको डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है जिसका चार्ज आपको 177 प्लस GST रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो इस अकाउंट का जो डेबिट कार्ड देखने को मिलता है उस पर खास बात गाइज ये देखने को मिल जाती है कि उस पर आपको 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री देखने को मिल जाते हैं एंड उसके साथ साथ आपको 1,00,000 पर डे की लिमिट देखने को मिल जाती है अगर आप ATM से पैसे को विड्रॉल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खास बात आपको इस अकाउंट की देखने को मिल जाती है। और गाइज इस अकाउंट पर आपको कोई भी पासबुक नहीं मिलती। जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी भी डिजिटल अकाउंट होते हैं ओपन होते हैं मोबाइल के थ्रू उन पर आपको पासबुक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सो गाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर सकते हैं iMobile Pay एप्लीकेशन के थ्रू, काफ़ी बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और गाइज इस अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है वो 3% का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो गाइज ये बैंक अकाउंट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सेकंड नंबर का प्राइवेट सेक्टर का बैंक आपको देखने को मिल जाता है और ऑफर्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बैंक्स प्रोवाइड कराता रहता है। सो गाइज इस अकाउंट को भी आप ओपन करके देख सकते हैं, पर्सनली मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ये भी देखने को मिल जाता है। अब गाइज हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला थर्ड नंबर का अकाउंट। गाइज थर्ड नंबर के अकाउंट की बात करें जो कि आपको SBI की तरफ से देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है काफ़ी लोग पसंद करते हैं SBI पर अकाउंट ओपन कराना, जो कि सबसे बेस्ट भी है और पर्सनली मैं खुद ओपन कराया हूं और सबसे बेस्ट मुझे यही एक जीरो बैलेंस अकाउंट लगता है। अब गाइस इस SBI अकाउंट्स को आप दो तरीके से ओपन करा सकते हैं। सो गाइस सबसे पहला तरीका गाइस जो आता है वो आप डायरेक्टली YONO SBI एप्लीकेशन के थ्रू इंस्टा सेविंग अकाउंट के थ्रू आप ओपन कर पाएंगे ऑनलाइन डायरेक्टली। अब ऑनलाइन पर कुछ बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप ऑफलाइन इस अकाउंट को ओपन कराते हैं SBI का रेगुलर सेविंग अकाउंट, वो भी आपको एक फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाता है। अब गाइस काफ़ी ज़्यादा बैंक्स पर आप जाते हैं अपनी सिटी पर, उधर पर बोला जाता है कि 5,000 रुपीज़ आपको एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा अपने अकाउंट पर और ओपन करने में भी आपको 5,000 रुपीज़ मांगे जाते हैं। अब गाइस 5,000 रुपीज़ आप ऐड भी कर देते हैं जब, तो डायरेक्टली जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आप जीरो कर सकते हैं, क्योंकि SBI ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि जो भी हमारे सेविंग अकाउंट्स हैं वो सभी जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। तो गाइस जो आपको मांगा जाता है बैंक पर ओपन करते समय उसको आप दीजिए एंड ओपन होने के बाद डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब गाइस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली आप ब्रांच पर जाकर SBI के रेगुलर सेविंग अकाउंट को ओपन कराइए, क्योंकि उस पर जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं वो आप ऑनलाइन जो ओपन करते हैं अकाउंट उस पर वो बेनिफिट नहीं देखने को मिलते। अब गाइस हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको ऑनलाइन ओपन करने में बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे और क्या क्या आपको ऑफलाइन ओपन कराने में बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब गाइस इंस्टा सेविंग अकाउंट आप ओपन कराते हैं अपने योनो एस
SBI एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करते हैं तो उधर पर सबसे पहला तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18+ भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब गाइज इस अकाउंट को ओपन करने जाते हैं तो वीडियो KYC के थ्रू आपकी फुल KYC भी कर दी जाती है। अब गाइज सबसे पहला तो उस पर जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इस अकाउंट का जो आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है वो भी देखने को मिल जाता है और फुल्ली KYC भी आपकी हो जाती है और डेबिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइज जो डेबिट कार्ड का आपको चार्ज देखने को मिलता है वो 147 रुपीज़ प्लस GST देखने को मिल जाता है। अब गाइज इस पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि इस अकाउंट पर आपको चेक बुक देखने को नहीं मिलती क्योंकि गाइज जो आपकी वीडियो KYC होती है उस पर आपकी सिग्नेचर होती है वो वेरीफाई नहीं की जाती बैंक की तरफ से, डायरेक्टली आप बैंक पर जाकर मतलब ब्रांच पर जाकर उधर पर सिग्नेचर वेरीफाई कराइए। अब गाइज ब्रांच तो आपको जानी पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांच से ही आप अकाउंट को ओपन कराइए। अब गाइज जो आपको सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होती तो आपको चेकबुक भी देखने को नहीं मिलेगी ना ही आप बैंक पर ब्रांच पर जाकर कोई भी फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अकाउंट जो ओपन किया है वो ऑनलाइन ओपन किया है और उधर पर आपकी जो वीडियो KYC हो उस पर आपकी सिग्नेचर वेरीफाई नहीं की गई है। अब गाइज सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगी तो आप बैंक पर जाकर अपने मनी को विड्रॉल भी नहीं कर पाओगे, साथ में आपको चेकबुक भी देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्टली आप जमा कर सकते हो पैसे को बट विड्रॉल आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आपको इधर पर इंस्टा सेविंग अकाउंट पर देखने को मिल जाती है। अब गाइज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लोगों पर होती है कि भाई बैंक पर जाकर हम कोई भी फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पाएंगे और साथ में आपको चेकबुक भी देखने को नहीं मिलेगी, तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है। अब गाइज इस अकाउंट पर आपको ना ही पासबुक भी देखने को मिलेगी और साथ में डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, आसानी से आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर पाएंगे। अब गाइज डेबिट कार्ड के थ्रू आप पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से और गाइज इस पर जो आपको अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है वो 2.7 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप ब्रांच पर ओपन कराते हैं तो उधर पर आपको बोला जाएगा ऐड करने के लिए बट उसको बाद में आप निकाल सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली आप ब्रांच पर जाकर जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। सो गाइज वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा बैंक आपको बताकर मैंने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, जो कि सबसे बेस्ट अकाउंट ओपन कराते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट उन्हीं बैंक को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो गाइज वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना। सो गाइज थैंक्स वॉचिंग गाइज।